कोरोना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। वैज्ञानिक इसका तोड़ निकालने में जुटे हैं। इसी बीच सीजनल फ्लू का मौसम भी आ गया है। हालांकि दोनों बीमारियां अलग हैं, लेकिन कई लक्षण एक जैसे होने के कारण आम लोगों को समझने में काफी कंफ्यूजन हो रहा है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि कंफ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि दोनों के बीच मामूली अंतर है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना के लक्षण ज्यादातर गले और सीने से जुड़े होते हैं। इसमें डायरिया भी हो सकता है। फ्लू में ज्यादातर सिम्टम्स नाक से जुड़े होते हैं। फ्लू में गले में दर्द होना जरूरी नहीं, बलगम आ सकता है। अगर आपका कोई बाहरी एक्सपोजर नहीं है तो फ्लू ही होगा। कोरोना महामारी के बीच ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है कि कोरोना और फ्लू में अंतर कैसे करें। कोरोना में ज्यादा दिन तक बुखार आता है, जबकि फ्लू में कुछ दिन तक हल्का बुखार आता है। कोरोना में गले में दर्द की शिकायत होती है, जबकि फ्लू में गले में हल्का दर्द होता है। कोरोना में स्वाद सुगंध नहीं मिलती, जबकि फ्लू में स्वाद सूंघने में दिक्कत नहीं होती। कोरोना में लूज मोशन की शिकायत होती है। फ्लू में छींक आती रहती है। कोरोना में पेट में दर्द होता है, जबकि फ्लू में बलगम आने की शिकायत रहती है। कोरोना में सिर दर्द होता है, जबकि फ्लू में सूखी खांसी की शिकायत रहती है। कोरोना में सीने में दर्द भी हो सकता है, जबकि फ्लू में गले में खराश हो सकती है। कोरोना में सांस फूलने की शिकायत रहती है, जबकि फ्लू में कम सांस फूलती है। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण है तो भी डरने की जरूरत नहीं। उस स्थिति में तो आपको कोरोना बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप लगातार घर में रह रहे हैं, आपके पास कोई मरीज नहीं, आप सभी सावधानियां बरत रहे हैं और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आखिर वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचता है। दरअसल संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स हवा में तैरते रहते हैं। खांसने छींकने से ये ड्रॉपलेट्स हवा में आ जाते हैं और एक से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। डॉक्टरों की राय है कि हर फ्लू के मरीज को कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। टेस्ट तब कराना चाहिए जब बाहरी एक्सपोजर ज्यादा हो। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों ही स्थितियों में डरने की जरूरत नहीं है और कोरोना वाली ही सारी सावधानियां फ्लू के मरीज को भी रखनी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को बार बार धोना, गर्म पानी का सेवन, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य है। कफ हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन बनाए रखें। जरूरी ना हो तो घर से बिल्कुल बाहर ना जाएं। थोड़ी सी सावधानी रखकर आप फ्लू और कोरोना दोनों से बच सकते हैं। वैसे भी कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना वायरस से 95 से 96% लोग ठीक होते जा रहे हैं। 80% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 15% लोगों को ही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। हालांकि COVID-19 की वैक्सीन अभी तक नहीं आई, लेकिन फ्लू की वैक्सीन मौजूद है, जो किसी भी गंभीर फ्लू के खतरे को कम करती है। ऐसे में कुछ लक्षण दिखने पर पैनिक ना करें, क्योंकि ये मौसम फ्लू का है, इसलिए जरूरी नहीं कि आप कोरोना से संक्रमित हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।